नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र दुबे, बेरिसन एग्रो साइंसेस, रतलाम हेडक्वार्टर है मेरा। और आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ रतलाम जिले की एक विलेज है जो काफ़ी उन्नतिशील गांव है, बिरमावल तहसील एवं जिला रतलाम। तो यहाँ पे एक मिर्ची का प्लाट लगा हुआ था, तो यहाँ हमारे किसान भाई वायरस को लेके काफ़ी परेशान थे, तो यहाँ हमने आके इनके यहाँ एक स्प्रे करवाया, तो जिसमें हम लोगों ने लिया है VC 100 का। इन इसके ऊपर जब वायरस आया तो हमने इसके ऊपर स्प्रे करवाया, तो उसके बाद में हमने इनके यहाँ जो फर्स्ट डेमो है वो करवाया 6/7/2022 को। जब हमने यहाँ पे डेमो करवाया था तो प्लाट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वायरस आया हुआ था, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो वायरस ग्रसित थे। VC 100 को लगाने के बाद, VC 100 के स्प्रे के बाद में वायरस वाले जो भी पौधे थे उन पौधों के अंदर उनकी ग्रोथ नहीं रुकी। उसके बाद में उनकी ग्रोथ नहीं रुकी और उसके बाद में फ्लावरिंग कंटिन्यू चालू है, ग्रोथ नहीं रुकी और फल भी इसमें बनना चालू है। जबकि ये ही बात हम लोगों ने जो अदर जो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने वायरस वाला एरिया है जहाँ पे अभी हमने स्प्रे नहीं कराया, वहाँ पे ये चीज़ नोटिस की थी कि अगर स्प्रे नहीं हुआ है तो वायरस आने के कारण पौधे ऑलमोस्ट चौक हो चुके, जिनकी ग्रोथ बंद हो गई। ये एक वायरस वाला पौधा था, जब हमने फर्स्ट स्प्रे करवाया था तो इसमें वायरस लगा हुआ था, अभी भी इसकी ग्रोथ चालू है, ये ग्रोथ कंटिन्यू है। जस्ट इसके पास में ये आप दूसरा पौधा देख रहे हैं, इसमें उस दिन फर्स्ट डे वायरस नहीं था और आज भी वायरस नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि जब हमने VC 100 को इसके ऊपर स्प्रे किया तो जिन पौधों में वायरस था प्राइमरी स्टेज में, जिन पौधों में वायरस था उन पौधों में फ्रूटिंग बंद नहीं हुआ। इसके अलावा जिन पौधों में वायरस था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था, वो एज इट इज है, मतलब उनमें वायरस का अटैक नहीं हुआ और उनके ऊपर माल कंटिन्यू लग रहा है। आप देख रहे हैं ऊपर फल की साइज में कोई अंतर नहीं आया है, शेप में कोई अंतर नहीं आया, एकदम फ्रूट क्वालिटी जोरदार है। जबकि ये पौधा वायरस इफेक्टेड था, वायरस इफेक्टेड पौधे में ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा फल का साइज छोटा हुआ लेकिन फल लगना कंटिन्यू है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो फल है ये थोड़े से छोटे हुए हैं लेकिन कंटिन्यू लग रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये देखा गया है कि VC 100 को लगाने के बाद जो पौधे में वायरस था उन पौधों में वायरस का इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब सुधार हुआ है जैसे ही। तो ये देखा गया है कि कोई फर्स्ट स्प्रे में या सेकंड स्प्रे में सुधार नहीं होता है, जब आप इसको लगाते हैं तो धीरे से पौधे की इंटरनल व्यवस्था को सुधारेगा। VC 100 क्या करता है कि आपको एक डोज में या दो डोज में इसका पूरा रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार लगाते हैं तो ये पौधे के अंदर जो वायरस गया हुआ है उसकी इंटरनल व्यवस्था को सुधारेगा। जैसे ही इंटरनल व्यवस्था का सुधार हुआ उसके बाद में आपका जो फ्रूटिंग है वो फ्रूटिंग में भी सुधार होगा। VC 100 को इस्तेमाल करने से वायरस की रिकवरी प्लस जो पौधे पीले हो चुके थे उनमें भी वापस अपने को क्लोरोफिल की रिकवरी हुई है। रिकवरी होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ आपको नहीं रुकेगी, नहीं, प्लांट की ग्रोथ एज इट इज है, प्लांट की ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दो सिमिलर पौधे हैं, बिल्कुल पास पास में है। ये पहला पौधा जो जन्म से वायरस ग्रसित था, ये पौधा दूसरा पौधा जिसमें वायरस बिल्कुल नहीं था। आप देख रहे हैं कि इसमें फ्रूटिंग कंटिन्यू है, इसमें फल ज्यादा है, इसमें फल कम है, लेकिन फल की लगने की कैपेसिटी कंटिन्यू है, मतलब लगातार इसमें फलन भी है और इसमें भी फलन है। और ये है, यहाँ पे वापस रिकवरी हुई है, ये पूरा पीला हो चुका था, इसमें वापस पत्ते देख रहे हैं ये पूरे रिकवर हुए हैं, मतलब रिकवरी इसमें स्टार्ट हो गई है। तो सबसे बड़ी मुख्य बात यहाँ ये देखने को मिली है कि VC 100 के इस्तेमाल से रिकवरी हुई है, पौधे के इंटरनल सिस्टम में सुधार हुआ है। तो सुधार ये एक राउंड के स्प्रे से नहीं, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड के स्प्रे में आपको सुधार मिलेगा। जो पत्तियों में कर्लिंग था वो कर्लिंग भी रिकवर हुआ है, इसके अलावा क्लोरोफिल की काफी रिकवरी हुई है। बता रहे थे कि जब से हमने इसके ऊपर VC 100 का स्प्रे किया है तो VC 100 के स्प्रे के बाद में यहाँ पे ये देखा गया है कि वायरस की जो रिकवरी परसेंटेज है वो काफी फास्ट है। ये पूरे जो नए पत्ते निकल रहे हैं, पत्ते कर्लिंग के साथ जरूर है, पत्ते मुड़े हुए आपको थोड़े से जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि ये वायरस एक अंदर की प्रॉब्लम है। आपको फर्स्ट स्प्रे और सेकंड स्प्रे में ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो जब हमने इसके ऊपर फर्स्ट राउंड किया था उसके बाद में हमने सेकेंड राउंड किया तो यहाँ पे जो पत्ते हैं ये चौक नहीं हुए, जबकि अदर में एरिया में देखा गया तो वायरस आया और ब्लॉक हो गया। और जैसे ही हमने यहाँ पे VC 100 का इस्तेमाल किया तो पत्तों की नई फुटाव वगैरह ये आप देख रहे हैं, ऊपर की पूरी नई फुटाव है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड के बाद में पत्ती अभी थोड़ी कर्ल है, लेकिन जो नई नई
ब्रांचेस आ रही है या जो नए पत्ते आ रहे हैं वो कल्ड में सुधार हो रहा है, मतलब कुल मिला के रिकवरी परसेंटेज काफी फास्ट है। और ऑलमोस्ट इस प्लांट की ये कंडीशन है कि अभी 75% से 85% तक ये रिकवर हो चुका है। और जो जिन पौधों में प्राइमरी स्टेज में वायरस था उन वायरस वाले पौधों में भी आपने देखा है कि यहाँ पे फल बंद नहीं हुआ है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं एक ये और पौधा है यहाँ पे, ये आगे यहाँ पे आइए तो ये यहाँ पे देख रहे हैं ये भी वायरस इफेक्टेड था, इसमें भी आपको फल मिला है। फल की क्वालिटी शेप और साइज में काफी सुधार है। और ये ही पौधा एक पास वाला है जिसमें वायरस शुरुआती दौर से ही वायरस नहीं था, तो आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे वायरस नहीं था और आज भी नहीं है। और ये जो पौधा है ये वायरस वाला था, तो वायरस की जैसे इसके ऊपर VC100 का हम लोगों ने इस्तेमाल किया तो इसकी कर्लिंग में सुधार आया और रिकवरी बहुत काफी फास्ट रिकवरी आई है। ऐसा कैसा आगे भी पूरे के पूरे प्लाट की वही सीन है। और जो एरिया हम लोगों ने छोड़ दिया था उस एरिया में अभी भी वायरस इतना जबरदस्त वायरस है कि फल की साइज छोटी हो गई है, पौधों की ग्रोथ रुक गई है, पूरा प्लाट पूरा येलो हो गया। जनरली वायरस के केस में ये देखा गया है कि आपने बाजार में बहुत सारे ऐसे केमिकल देखे होंगे वो इसी टाइप से मिथ्या रूप से दावे करते हैं कि हमारा एक स्प्रे में या दो स्प्रे में हमारा ये रिजल्ट आ जाता। जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि वायरस रियली एक इंटरनल अंतर्निहित प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम के लिए पूरे अंदर के सिस्टम को जब तक आप ओके नहीं करेंगे तब तक आप उसको स्थिर नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर आपको कोई सुधार नहीं दिखेगा। जबकि बाजार में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको ऐसा बोल के दे दिया जाएंगे कि ये इस टाइप से हमारा ये ठीक कर देता है या एक स्प्रे में दो स्प्रे में, जनरली ऐसा होता नहीं है। जबकि VC100 एक अंतर प्रभावी मेडिसिन है जो कि जब आप इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये पौधों के माध्यम से पत्तों के माध्यम से पूरे प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद में ये शुरुआती रूप में धीरे धीरे उसके सिस्टम में सुधार लाती है, सिस्टम में सुधार लाएगी तो ये एक स्प्रे में या दो स्प्रे नहीं होता। हम आपको इस बात का क्लियर करवा देते हैं कि कोई भी अगर ये बात दावा करता है तो वो दावा खोखला दावा है। जब भी हम भी ये बोल रहे हैं कि आपको जब भी वायरस आया है तो आपको एक राउंड दो राउंड तीन राउंड चार राउंड तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम वायरस के अंतर सिस्टम को अगर सही नहीं करेंगे तब तक इसके ऊपर आपको इसमें सुधार नहीं मिलेगा। तो जब ये VC100 को इस्तेमाल करने के बाद में जब हमने फर्स्ट राउंड लगाया फिर सेकेंड राउंड लगाया तो सेकेंड राउंड के बाद में ये देखा गया है कि इसके अंतर जो सिस्टम में सुधार आया, सुधार आने के बाद में नई नई पत्तियां निकलना चालू हुई है और नई पत्तियों के साथ साथ में फुटाव कंटिन्यू है। इसके अलावा एक बात और देखी गई है कि जिन पौधों में वायरस आ चुका था उनका क्लोरोफिल पूरा 100% गायब हो गया, जबकि यहाँ पे क्लोरोफिल की रिकवरी हुई है। वायरस का रिकवरी हुआ, पौधों की जो पत्तियां थी जो पीली हो गई थी उनमें क्लोरोफिल की वापस से रिकवरी हुई है और रिकवरी काफी फास्ट हुई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि क्लोरोफिल बनना चालू हुआ तो फ्रूटिंग बंद नहीं हुआ, फ्लावरिंग बंद नहीं हुआ। ये आपका इनसे परिचय करें। मेरा नाम चिरंजीव पितांजलि पाटीदार बिनमाल से। सर ने जो पूछा था हमको कि हमने पहली बार पीली मिर्ची लगाई तो ये हमारे यहाँ पे गाँव में आए थे एक दुकानदार के वहाँ पे, तो इन्होंने बताया था कि हमारे पास एक डेमो का है वो दवाई VC100 बोल के इन्होंने बोला था। मैंने बोला जी सर हमारे वहाँ पे है, तो सर ने बताया कि ये स्प्रे करने से आपको बहुत ही रिजल्ट मिलेगा। तो हमने सर ने बोला चार बार करना पड़ा, मुझे ठीक है सर चार बार करेंगे। तो करने के बाद हमारे पौधे में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। आप ये बताइए कि जब आपने यहाँ पे ये VC100 नहीं लगाया था उस समय कितने परसेंट पौधे इसमें वायरस वाले थे? बहुत ही ज्यादा वायरस वाले। जब आपने शुरुआती दौर में जब आपने इसको स्प्रे नहीं किया था तभी वायरस वाले पौधे यहाँ पे काफी थे। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो आपके वायरस वाले पौधे थे उनमें रिकवरी कितने परसेंटेज है? उसमें करीबन 50-60% रिकवरी है। इसमें 50-60% रिकवरी जो ज्यादा वायरस वाले हो गए थे, और जिन पौधों में वायरस नहीं था उसकी क्या पोजीशन है आज? उसकी भी वही पोजीशन है, उसमें बिल्कुल भी वायरस नहीं है। और ये बात मानी गई इसमें फल लगने की कैपेसिटी कैसी रही है? अच्छी है फल लगने की। इसके अलावा आप ये बताइए कि यहाँ पे आपने कितनी लाइनों में यहाँ पे स्प्रे करवाया? आठ रो में स्प्रे करवाया था। और बाकी कितनी लाइनें छोड़ी थी? चार लाइन छोड़ी थी। उन चार लाइन की क्या पोजीशन है? बहुत ही खराब पोजीशन, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मतलब वहाँ पे वायरस की क्या पोजीशन है अभी? बहुत ही ज्यादा वायरस है। तो आपने ये जो स्प्रे किया तो इसमें अपन ने अभी तक कितने चार राउंड करवाए। तो चार राउंड में आपको ये देखने को मिल रहा है कि अगर इसको VC100 को अगर हम पहले इस्तेमाल कर ले तो कैसा क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, इसमें वायरस की कोई शिकायत भी नहीं आएगी पहले इस्प्रे कर ले। अगर इसको पहले से अगर इस्तेमाल कर लिया जाता है तो इसमें वायरस की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी, और जो पौधे के ऊपर जो फल लगने की क्षमता है वो क्षमता में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ आठ लाइनें जो ऐसी लगी हुई है, यहाँ आठ लाइनों में हम लोगों ने VC100 को
करवाया था। और उसके बाद में ये जो आप पीछे का जो पोर्शन देख रहे हैं, पीछे के पोर्शन में हम लोगों ने पीसी 100 की लिए ये 5 लाइनें हम लोगों ने छोड़ दी थी। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पत्तों की स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक है। पूरे के पूरे पत्ते अभी पीले हुए हैं, ये पूरे फल टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं और यहाँ पे फल लगना ही करीब करीब बंद हो गए। ये ऐसे ऐसे इस टाइप से छोटे छोटे फल आ रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं सभी लाइनों में, ये जो बाकी की जो 4 रो है, उन 4 रो में बिल्कुल भी प्रोडक्शन करीब करीब प्रोडक्शन नहीं के बराबर आ रहा है और पूरे पत्ते पीले हो चुके हैं। जबकि ये वो रो है जिसमें स्प्रे हम लोगों ने करवाया। स्प्रे करवाने के बाद में वायरस की बहुत ही जबरदस्त रिकवरी है और जो नए पत्ते हैं और उन्हें, ये जो आप देख रहे हैं, एक पौधों ने, पत्तों ने क्लोरोफिल की रिकवरी भी कर ली है। मतलब पौधों में पत्ते जो हैं वो पीलापन भी खत्म हुआ है, उसके बाद में नए नए जो पत्ते आप निकल रहे हैं इनमें वापस रिकवरी फास्ट हो गई है। आप ये वापस से देख रहे हैं, ये पूरे नए पत्ते हैं। ये यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये पूरे नए पत्ते हैं, इसके साथ ना फूल भी है। इसके अलावा वो जो एरिया है जहाँ पे 4 लाइनें हम लोगों ने छोड़ी थी, उन 4 लाइनों में ऑलमोस्ट वायरस आ चुका है। मतलब कुल मिला के ना उनमें कोई फल है और फल भी काफ़ी टेढ़े मेढ़े इस टाइप से काफ़ी छोटे छोटे फल लग रहे हैं। जबकि यहाँ पे वायरस है, ये पौधा है जैसे इसमें वायरस लगा हुआ है, लेकिन वायरस होने के बाद भी फल काफ़ी सीधा फल है और अच्छे फल लगना चालू हुए। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात यह है कि VC100 को लगाने के बाद में वायरस की रिकवरी काफ़ी फास्ट हुई है। फलन जो लग रहा है वो फलन भी काफ़ी अच्छा हुआ है और जिन एरिया में स्प्रे नहीं हुआ है उन एरिया में ऑलमोस्ट वायरस आ चुका है। तो जबकि अभी यहाँ है 4 ही राउंड का स्प्रे हुआ है, अगर इसको लगातार स्प्रे करवाया जाए तो ये प्लांट 100% रिकवर हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे जिस एरिया में हम लोगों ने VC100 का इस्तेमाल किया है उस टाइप का ये पूरा जो प्लाट है, ये पूरा प्लाट है। और ये यहाँ से जस्ट इसके हाफ में जो एरिया है वो आप देख रहे हैं कि ये जो आप अगली जो 5 रो जो देख रहे हैं ये पूरी की पूरी ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है, जो कि वायरस आने के बाद में इसकी ये रियल कंडीशन है। जहाँ पे VC100 का इस्तेमाल नहीं हुआ वहाँ पे ये पूरे के पूरे पौधे चौक हो चुके हैं, बिल्कुल भी ग्रोथ रुक चुकी है और कोई भी फल नहीं है। आपको फल भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे। और ये जो फल हैं ये भी काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं, ये जो इस टाइप से फल है ये भी टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। जबकि जस्ट इसके अपोजिट में जहाँ हम लोगों ने VC100 का इस्तेमाल करवाया था उसके बाद में जो ये पौधे हैं उनकी ये स्थिति है। ये यहाँ पे ये पौधा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जब हम लोगों ने स्प्रे करवाया था ये पूरा वायरस इफेक्टेड था। अभी भी पत्तों में कुछ कर्लिंग है, नॉमिनल कर्लिंग है, लेकिन नए पत्ते बने हुए हैं और पूरा आप इसमें देख रहे हैं पूरा फ्रूटिंग, पूरा का पूरा पौधे के अंदर पूरा माल लगा हुआ है। ये और ये जो पौधा है ये जब हम लोगों ने स्प्रे करवाया था उस समय शुरू से ही स्वस्थ था, ये पौधा पूरा स्वस्थ था और ये पौधा इफेक्टेड था। तो इफेक्टेड पौधे पे VC100 के इस्तेमाल के बाद में पत्तों में सुधार आया है और ये पूरा वायरस से अब करीब करीब ये मान के चलिए कि ये पौधा 90% के आसपास रिकवर हो गया और इसमें फलन कंटिन्यू है। फल भी इसमें आपको देख रहे हैं ये लग रहा है, पूरा का पूरा फल लग रहा है। जबकि इधर जस्ट अपोजिट में जो है ये वायरस आने की वजह से ये पौधे की ऐसी स्थिति हो गई है, यहाँ पे स्प्रे नहीं हो पाया था। ये पूरे ऐसे पौधे हैं जहाँ पे बिल्कुल स्प्रे नहीं हो पाया और ना ही इनमें कोई ग्रोथ है। आप ये देख पा रहे हैं कोई ग्रोथ नहीं है, पूरा पौधा चौक है। और अगर फल लग भी रहे हैं, बामुश्किल जो फल लग रहे हैं वो काफ़ी छोटे हैं, साइज काफ़ी छोटी हो चुकी है। जबकि जहाँ वायरस है, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक और पौधा है इसमें भी वायरस है। यहाँ पे हम लोगों ने VC100 का इस्तेमाल करवाया था, ये वायरस है, लेकिन यहाँ पौधे पे आपको फलन बंद नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा पौधे के ऊपर फल लगने की कैपेसिटी ऐसी जैसी है। तो यहाँ इस प्लाट पे हम लोगों ने जो डेमोस्ट्रेशन करवाए थे, तो डेमोस्ट्रेशन में हम लोगों ने लिया था VC100 को लिया था 1 लीटर पानी के लिए 5 ग्राम और एसिटाप्राइड को लिया था हम लोगों ने 1 लीटर पानी के लिए 1 ग्राम। अगर आप चाहें तो, अगर आपको एसिटा ना हो तो आप इसमें पेगासस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेगासस या एसिटा दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा ही सीवियर अटैक है या ज़्यादा ही वायरस आ चुका है तो उसके लिए आप 1 लीटर पानी में 5 ग्राम VC100 की बजाय 10 ग्राम VC100 तक को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये है कि 10 ग्राम VC100 को आप बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा डोज बढ़ जाएगा लेकिन थोड़ा रिकवरी फास्ट हो जाएगी। आप ये देखिए, ये हम लोगों ने ये यहाँ पे प्राइमरी में स्टेज में स्प्रे करवाया था तो ये
5 ग्राम का ही डोज लिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसकी सिस्टम में आया और सिस्टम में जैसे ही सुधार होने लगा, तो ये जो आप नई पत्ती देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी जैसी बिल्कुल नई नई सीधी सीधी पत्तियाँ निकलना चालू हो गई है ये। और ये जो पत्ता था जो ऑलमोस्ट पूरा डैमेज हो चुका था, ये पूरा पत्ता वायरस इफेक्टेड था, तो यहाँ पे क्लोरोफिल की भी रिकवरी हो गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक और ये नया पौधा है, ये भी पूरा वायरस इफेक्टेड था, प्राइमरी स्टेज में वायरस इफेक्टेड था। तो अभी सिर्फ यहाँ पे 4 डोज लगे हैं और अभी 4-5 डोज और कंटिन्यू लगना है। तो 4-5 डोज जैसे ही कंटिन्यू लगेंगे, तो ये जो आप अगले जो जो कर्लिंग वाले पौधे जो नए लीव्स निकल रहे हैं, ये भी पूरे के पूरे 100% आपको रिकवर मिलेंगे। आप ये देख रहे हैं यहाँ पौधे में क्लोरोफिल की भी रिकवरी हुई है, ये पूरा का पूरा रिकवर प्लांट है ये। जबकि शुरुआती दौर में इस टाइप से पौधे थे, ये पूरा का पूरा ये पोजीशन थी, अब रिकवर होने के बाद में यहाँ ये पोजीशन बन रही है। ये पूरे के पूरे पत्ते में जो नए लीव्स आ रहे हैं, ये नए लीव्स बिल्कुल क्लीन हैं। और ये पूरा प्लांट, पूछना चाहता हूँ कि आपको इस प्रोडक्ट के लेके आपके मन में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे और भी जो व्यूअर्स है या जो मिर्ची वाले जो किसान है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे सर आपने VC100 हमको दिया था, गए साल हमारे पास था ही नहीं है, तो हमने प्लांट में से वायरस वाले पौधे उखाड़ के बाहर फेंक दिए थे। अब आपने जैसे हमको ये दिया VC100, उसके बाद कि हमने स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद हमको बहुत ही फर्क दिखने को मिला वायरस के पौधे में, और अब भी काफी मात्रा में सही हो गया हमारे पौधे। तो अभी आपके यहाँ ये बताइए कि इसमें पूरे प्लांट में कितने परसेंट अपना रिकवरी आया है? अभी तो 80% रिकवरी आया है इस पूरे प्लांट में। पूरे प्लांट में आपको 80% रिकवरी आया है। और दूसरा ये था कि पिछले साल आपको क्या करना पड़ा, मतलब ये जो वायरस के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो ये हमने सब सारे उखाड़ के फेंक दिए। मतलब कुल मिला के आपको वापिस नए पौधे लगाना पड़े, तो डबल नुकसान हुआ आपका। और समय भी लेट हुआ। बराबर। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप हमारे जो अगले जो किसान भाई है जो मिर्ची लगाने वाले, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? ये शुरू से जैसे मिर्ची लगा, उसके 4-5 दिन बाद इसका स्प्रे करेंगे तो वायरस भी नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बराबर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब सभी किसानों से अनुरोध है कि आप ये इसको लगाएं। तो मैं ये सभी से अनुरोध करता हूं किसान भाइयों से कि ये हमारे वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा कि वहां पे एक नंबर दिया हुआ है नीचे, उस नंबर पे आप जाके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या जो आपके एक क्षेत्रीय विक्रेता है जो कृषि दवाइयों के दुकानदार है, आप उनको भी बोल सकते हैं कि भाई हमको ये प्रोडक्ट चाहिए VC100, तो आप उनसे भी कह के उसको प्रोडक्ट को बोलो। चिरंजीव भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आपका VC100 को लेके आपका क्या कहना है? मेरा VC100 लेके बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। मैं किसान भाई से अनुरोध करूंगा कि वायरस नहीं आए उसके पहले VC100 का उपयोग करें, तो आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी मिर्ची और वायरस की कोई शिकायत नहीं आएगी। मतलब आपका ये कहना है कि अगर मिर्ची अगर लगाते हैं, तो मिर्ची के शुरुआती दौर से ही अगर आपका VC100 का अगर आप इसमें स्प्रे करते हैं, तो कुल मिला के जैसे हम लोगों ने जब डेमोन्स्ट्रेशन कराया था आपको 5-5 दिन के अंतराल में करवाया था, लेकिन अगर इसको लगाते हैं तो प्राइमरी स्टेज में आपको 5-5 दिन के अंतराल में स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका स्प्रे हर 10 या 15 दिन के अंतराल में कराना पड़ेगा, तो उससे आपका काफी खर्च भी बचेगा और ये प्रोटेक्शन भी मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी और हर 15-15 दिन के आप स्प्रे भी रहेगा, तो उससे आपकी वायरस का भी बिल्कुल प्रकोप नहीं के बराबर रहेगा। और जो ये जो आपको लॉस हुआ है, जो आप आज हमारे चिरंजीव भाई को कुछ पौधे जो वायरस आ चुके थे उनमें कुछ उत्पादन में नुकसान तो हुआ, तो आप लोगों को नुकसान भी नहीं आएगा और प्रोडक्शन भी दमदार निकलेगा। तो आपका ये कहना है कि मतलब अगर VC100 का शुरू में इस्तेमाल करना चालू कर दें, तो ये है कि नुकसान काफ़ी कम होगा। तो अगर ये अच्छा होता, अगर आपकी ये 5 लाइनें खराब हुई, अगर इनमें भी स्प्रे होता, तो आज यूँ मान के चलिए कि काफ़ी कुछ सुधार हो चुका, तो आज ये इसमें आपको ये 4 रो में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप अगली बार जब मिर्ची लगाएंगे तो आपका क्या रहेगा रुझान? मेरा यही है कि शुरू से ही VC100 का उपयोग करूंगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद आपका।